बीएससी के लिए मैथमेटिक्स की पढ़ाई हो रही है और इससे पढ़ रहे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन। आज पढ़ने वाले हम लोग क्लेरॉट्स इक्वेशन के बारे में, क्या होता है, कैसे करते हैं सोल्यूशन इसका, सब कुछ आसान तरीका से हम लोग समझने वाले हैं। और सुनिए, पार्ट वन की बात हो, पार्ट टू की बात हो या पार्ट थ्री की बात हो, अगर आप चाहते हैं आसान भाषा में तरीका से, सिस्टमेटिक तरीका से सब कुछ आपको मिल जाए, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और कोर्स ले सकते हैं। आइए क्लेरॉट्स इक्वेशन के बारे में जानते हैं क्या होता है। देखिए इसको हम डिफाइन कैसे कर रहे हैं, समझिए थोड़ा सा अच्छा से। द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p एफ पी है ना, क्या होगा, इज कॉल्ड क्लेरॉट्स इक्वेशन, क्लेरॉट्स इक्वेशन वेयर, जहाँ देखिए क्या है, तो P को क्या मानते हैं हम लोग, डी वाई बाई डी एक्स, और एफ पी क्या है, ठीक है, तो क्या है यह एनी फंक्शन ऑफ P, एनी फंक्शन ऑफ P। अब सुनिए ध्यान से, यहाँ पे ये हो गया। अब इस इक्वेशन का देखिए, इस इक्वेशन का क्या है, जनरल और या कंप्लीट सॉल्यूशन की बात किया जाए तो क्या होगा, देखिए जनरल और कंप्लीट सॉल्यूशन है ना, ऑफ किसका, तो देखिए किसका है बात है ये, इस इक्वेशन का y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी, इसका क्या होगा जनरल सॉल्यूशन, देखिए क्या होगा, करना कुछ नहीं, y इक्वल टू पी सी प्लस एफ सी कर देंगे है ना, लिखा हमने पुटिंग p इक्वल टू सी। अब सवाल है कि ये p इक्वल टू सी क्यों पुट करते हैं, तो आपको बहुत सारे बुक्स में बहुत सारे जगहों पे क्या होगा, एक क्लियर आपको किया गया होगा, डिफरेंशिएशन करके, लास्ट में इंटीग्रेशन करके सब किया गया होगा। थोड़ा सा आप समय देंगे तो इसको भी हम क्लियर करते हैं कि p इक्वल टू सी पुट करें कैसे, ये कैसे गेट करते हैं, मतलब इसका सोल्यूशन जो कैसे आता है। तो आइए हम इसको सीखते हैं, क्योंकि सीखना ज़रूरी है ना, क्योंकि दे देगा एग्जाम में थियोरेटिकल क्वेश्चन दे देगा कि इसका सोल्यूशन ऑब्टेंड कीजिए, ये कैसे आएगा, तो कैसे बनाएंगे, आइए इसको देखा जाए है ना। चलिए, क्योंकि एग्जाम्पल तो बहुत सारा देंगे आपको, हम बहुत सारे एग्जाम्पल देंगे, ठीक है, जो भी मेरा वीडियो जाता है वो काफ़ी क्लियरिटी के साथ बनाए रहते हैं हम, उसमें बहुत सारे स्टडी करके क्लियर बात बताए रहते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सोल्यूशन की, वाई इज इक्वल टू क्या है, पी एक्स प्लस क्या है, एफ ऑफ पी है। यहां पे क्या करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, तो यू इंटू वी पर करेंगे, क्या पी को बाहर किया, एक्स को डिफरेंशिएट किया, डी एक्स अपॉन डी एक्स प्लस एक्स को बाहर किया, पी को डिफ्रेंशिएट किया, डी पी बाई डी एक्स, एक हो गया यू इंटू वी पर, प्लस डी एफ पी अपॉन डी पी गुने डी पी बाई डी एक्स, पी इंटू वन प्लस एक्स डी पी बाई डी एक्स प्लस ये क्या होगा,
एफ डैश पी इंटू डी पी बाई डी एक्स, राइट। यहाँ समझिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको मान लेंगे हम पी, पी हो गया तो पी प्लस एक्स डी पी बाई डी एक्स प्लस, सुनिए यहाँ से हम लोग कमन भी तो कर सकते हैं, कमन कर लीजिए डी पी एफ बाई डी एक्स, क्या होगा ये होगा एक्स ए एफ डैश पी, है ना, कमन कर लिया, अभी कट गया क्या हो गया डी पी बाई डी एक्स इंटू, है ना, एक्स प्लस एफ डैश पी, है ना, इक्वल टू जीरो, क्योंकि जीरो हो गया। अब सुन रहे ना, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे समझिए, दो पार्ट जीरो के बराबर है तो मतलब क्या हो गया डी पी बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो या एक्स प्लस एफ डैश पी इक्वल टू जीरो। तो हम लोग यहाँ से देख पा रहे हैं क्या कि इसको छोड़िए इससे कुछ अभी नहीं मिलने वाला है, तो हम लोग क्या करेंगे डी पी इक्वल टू, देखिए यहाँ समझिए, यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं समझिए डी पी बाई डी एक्स जो है क्या करने वाले हैं यहाँ पे, यही बात समझने वाला है यहाँ पे, क्लियर, राइट। तो यहाँ सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल लॉजिक समझिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। डी पी कुछ पल के लिए समझिए जीरो इंटू डी एक्स कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कीजिए, तो जीरो का इंटीग्रेशन क्या होगी तो पी हो जाएगा, जीरो का इंटीग्रेशन कोई ना कोई कॉन्स्टेंट होता है, सी होता है, यही पी इक्वल टू सी हमको मिल गया। अभी कहेंगे नाउ इसको वन मान लीजिए, फ्रॉम वन वाई इक्वल टू क्या होगा सी एक्स प्लस एफ सी, और यही क्या होगा यही कहलाएगा आपका जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा, समझ गए ना, क्लियर। अब सुनिए ध्यान से अच्छा से, यहाँ तक क्लियर होने के बाद अब जो अगला स्टेप बताने वाले हैं एग्जाम्पल के माध्यम से और क्वाड्रेटिक वाला बताएंगे तरीका, बहुत मजा आएगा। आगे देखिए क्या है, यहाँ देखिए क्वेश्चन ले रहे हैं हम, क्या एग्जाम्पल समझिए, क्वेश्चन है सोल्व सोल्व वाई इज इक्वल टू पी एक्स प्लस पी माइनस पी स्क्वायर, ये चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि क्लेरॉट्स फॉर्म में है या नहीं है, है ना, तब जाके क्या होगा काम बनेगा, बात समझिए पहले। तो हमारे पास दो तरीका, इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा, अगर सिर्फ सोल्व कर दिया, जनरल सोल्यूशन निकालने कह दिया, क्या करेंगे हम इसका सिंपल सोल्यूशन करें, सिंपल सोल्यूशन क्या हो गया सी एक्स प्लस सी माइनस सी स्क्वायर, इसका क्या हो गया जनरल सोल्यूशन हो गया, मतलब क्योंकि पी की जगह पे क्या पुट कर दिया हमने सी पुट कर दिया, लेकिन हमको मेथड से बताना है, ये तो आंसर हो गया, समझिए बढ़िया से, हमको मेथड से बताना है तो कैसे सोल्व करेंगे। ये देखिए यहाँ पे सोल्यूशन देखिए, वाई इक्वल टू क्या है पी एक्स प्लस पी माइनस पी स्क्वायर है, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसमें आइए क्या होगा पी को बाहर किया डी एक्स बाई डी एक्स प्लस एक्स को बाहर किया डी पी बाई डी एक्स, है ना, प्लस डी पी बाई डी एक्स माइनस डी पी स्क्वायर बाई डी पी इंटू डी पी बाई डी एक्स, ये हो गया, ये क्या हो गया आपका पी हो गया, ये पी हो जाएगा प्लस एक्स डी पी बाई डी एक्स, समझिए ध्यान से, प्लस डी पी बाई डी एक्स माइनस टू पी इंटू डी पी बाई डी एक्स, सिंपल सा बात समझिए अच्छा से, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ये कट गया, क्या हो गया कट गया, तो क्या बचेगा x, देखिए कॉमन कुछ होने वाला है क्या, कॉमन कुछ होने वाला है तो कर लीजिए, देखिए क्या कॉमन होने वाला है डी पी बाई डी एक्स एक्स प्लस, है ना, यहाँ वन माइनस टू पी
बराबर जीरो है ना। ये देखिए तो क्या होगा, इसको छोड़ेंगे, इससे से काम चला लेंगे, इसीलिए डी पी बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, यहाँ से क्या मिलेगा सीधे लिखिए डी पी इक्वल टू जीरो इंटू डी एक्स, यहाँ मल्टीप्लाई करके जीरो मत लिखिएगा, तो उत्तर इंटीग्रेशन करेंगे और पी हो गया इसका इंटीग्रेशन, जीरो का इंटीग्रेशन करने पर क्या आता है, सी आता है, है ना, लिख दिया है किताब में ऑन इंटीग्रेटिंग, ऑन इंटीग्रेटिंग करने माने इंटीग्रेशन करने पर आएगा, तो थोड़ा दिखा दीजिए सर ऐसे कर सकते हैं हम लोग, है ना, बोलिए सर जीरो से मल्टीप्लाई करने पर काम चल जाएगा, ठीक है यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं ना इंटीग्रेशन कर सकते हैं ना, डी पी इक्वल टू जीरो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो गया, कोई दिक्कत है क्या, चलिए देखिए यहाँ पे तो मिल गया, हम लिखेंगे इसको वन मान लीजिएगा, फ्रॉम वन क्या होगा बोलिए, इसलिए y इक्वल टू पी एक्स प्लस पी माइनस पी सॉरी c रख देंगे ना, c रख दीजिए यहाँ पे सी एक्स प्लस सी माइनस सी स्क्वायर है ना, चलिए तो ये आंसर हो गया आपका, क्लियर, अब समझ रहे ना बात को, तो क्लियर क्लियर तरीका से आपको सब कुछ समझना, इस तरह से पूरा मेथड से बनाएंगे, एक एग्जांपल दिया आपको हमने, बहुत सारे एग्जांपल इसके लिए आप मैंने बुक्स में बना सकते हैं, क्लेरॉट्स फॉर्म में, क्लेरॉट्स इक्वेशन में लगातार बच्चे काम करते हैं इस पर, बहुत सारा चीज़ है ना, इसलिए टेंशन लेने की आवश्यकता आपको नहीं है, हर कुछ आसान है, ठीक है। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिए, हमारे कोर्स के बारे में जानने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे, कोर्स आपको मिल जाएगा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।